विदिशा, हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए कर्बला में अकीदतमंद ताजिया सवारी के साथ कर्बला पहुंचकर याद ताजियों और सवारियों को कर्बला जाकर विसर्जन एवं ठंडा किया गया। इस अवसर पर कर्बला में पुलिस बल तैनात एवं सुरक्षा गार्ड की दृष्टि को देखते हुए होमगार्ड के जवान तैनात रहे। उक्त जानकारी एडिशनल SP संजय साहू द्वारा दी गई। क्रमांक 316 बलवंत सिंह जी, कहाँ पर तैनात है अभी आप? कर्बला ड्यूटी। आज क्या महत्व है यहाँ पर, क्या क्या होने वाला, क्या होगा यहाँ पर? हाँ, कर्बला ड्यूटी जो लगी हमारी यहाँ पे ताजिया विसर्जन हुए। तो कब से कब तक, कितने घंटे रहेगा यहाँ पर कार्यक्रम? हमको तो रात भर का दिया है टाइम। क्या व्यवस्था करी गई यहाँ पर? यहाँ पे हमने वोट डाली, सभी जवान हैं हमारे, DRC के भी हैं, हम लोग भी हैं, सैनिक लोग भी हैं। कितने जवान होंगे यहाँ पर? 15 जवान हैं। दरगाह शरीफ कर्बला घाट का। यहाँ पर जो कर्बला है आज, यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था चल रही है यहाँ पर? आज आशूरे का दिन है, मुहर्रम की 10 तारीख है, जिसके चलते प्रशासन ने और हम लोगों ने एक प्रबंध किया है, जिसमें ताजिया शरीफ जो है विसर्जित होंगे, ठंडे होंगे, उसको लेकर कर्बला घाट बनाया गया है प्रशासन द्वारा। बात करेंगे शहर में कितने, लगभग कितने ताजिया का? शहर में करीबन 15 ताजिए होते हैं और 75 सवारियाँ हैं जो बाबा साहब की हस्ती हैं जिन पे आती हैं, और अपने अपने अकीदत मंद के हिसाब से, अपने अपने अकीदत के साथ से लोग अलम खड़े करते हैं, जिसको लेके आज कर्बला घाट पे सब लोग आएंगे अपनी अकीदत के साथ और ठंडे करेंगे। कल कत्ल की रात थी, कल रात भर जुलूस निकला था जो सुबह 5 बजे ख़त्म हुआ था। आज ये जुलूस अभी शाम को 5 बजे स्टार्ट हुआ है। इसमें जो ताजिए हैं वो और सवारियां, ये सब अपने अपने स्थानों से उठ करके और ये इस रास्ते से होते हुए रामलीला मैदान और वहां से कर्बला के लिए जाएंगे और वहां पर ठंडे होकर के ये वापस अपने मकाम पर चले जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कितने सैनिकों को तैनात किया है? लगभग पूरे शहर के अंदर जो है लगभग 300 लोगों का बल लगाया गया है, और जो पेट्रोलिंग में लगे हुए हैं, कॉम्पैक्ट मोबाइल में लगे हैं, मोबाइल पेट्रोलिंग लगी है, रूट अरेंजमेंट लगा हुआ है हमारा, सवारियों के साथ व्यवस्था है और फिक्स पॉइंट्स लगे हुए हैं, तो ये सभी जगह एक पुख्ता व्यवस्था की गई है और आप देख रहे हैं जुलूस चालू हो गया है। विदिशा से कमल रैकवार की रिपोर्ट।